नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जल्द ही अगली किस्त के पैसे आने वाले हैं। अगर किसान 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के 2000 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। क्रिकेट फैंस के लिए अहम सूचना, टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका का आगामी दौरा कथित तौर पर एक हफ्ते के लिए टाला जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में कोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरियंट के उभरने के बाद यह निर्णय लिया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर की हवा लंबे समय से प्रदूषण का मार झेल रही है और अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। इधर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को सवालों के घेरे में लिया था। नैनीताल के पंत पार्क में फर संचालन का मामला प्रशासन और पालिका के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद सरकार की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आ रही हैं, दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है। बढ़ती दहशत के बीच कई देश द्वारा यात्रा प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है और उड़ानों पर रोक लगाई जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले वाले देशों में अब अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नाम भी जुड़ गए हैं। इन तीनों देशों में एक एक मामले मिले हैं। सरकार की रणनीति के अनुरूप ही संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून की वापसी का मुद्दा पीछे छूट गया है और राज्यसभा में विपक्ष के एक दर्जन सांसदों के निलंबन का मुद्दा हावी हो गया है। इससे सरकार कृषि कानून की वापसी पर चर्चा की असहज स्थिति से बच गई है। सत्र के दूसरे दिन भी निलंबन पर हंगामा हुआ। भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में मिला है। बहुमूल्य धातु सोना की खदान में इसका इतना स्टॉक है जितना देश में कहीं और नहीं है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने संसद में दी है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल ने सदन में सरकार से जानकारी मांगी थी। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में शुक्रवार से बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया है कि दक्षिण अंडमान के मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका विस्तार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ से हो रहा है। इससे डिप्रेशन बना हुआ है। इसके आगे और मजबूत साइक्लोन जवाद में तब्दील होने की संभावना है। झारखंड में साहिबगंज की महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर रूपा तर्की की संदिग्ध जान लेने के बाद वायरल वीडियो को लेकर रांची की स्पेशल एससी एसटी कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने रांची के सिटी एसपी, साहिबगंज के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार, रांची के एससी एसटी थाना प्रभारी पंकज मिश्र के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी को काले अंग्रेज का दल बताया था जो 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। इस पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और कहा है कि उनका रंग भले ही काला हो लेकिन उनकी नीयत साफ है। आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने इंडिया टुडे को बताया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में ट्रैवल बैन कारगर साबित नहीं होगा। दुनिया में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर हिंदुस्तान भी अलर्ट हो गया है। जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर मोहम्मद तारिक के नए आविष्कारों की श्रृंखला में इंटेलिजेंट ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर का कठिन आविष्कार करीब आ रहा है। उनके इनोवेशन एन ऑटोमेटेड क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द सोलर पीवी पैनल और सन ट्रैकिंग मैकेनिज्म विद एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑटोमेटेड मूवेबल प्लेटफॉर्म हाल ही में पेटेंट ऑफिस कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पेटेंट करार करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को दोपहर 1 से 2:30 बजे के बीच खाद कारखाना आने वाले हैं। वो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के देश के सबसे बड़े खाद कारखाना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की 9 लैबों का लोकार्पण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के अनुसार इस महीने के अंत में राज्य की अपनी दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमाऊ क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर की अपनी यात्रा के बाद पीएम मोदी इस महीने उत्तराखंड की दूसरी यात्रा की योजना बना रहे हैं। अब देश में फ्लेक्स फ्यूल इंजन अब अनिवार्य रूप से लागू होने वाला है। देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मोदी सरकार ये फैसला लेने जा रही है। इससे संकेत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दे चुके हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिन में कार कंपनियों के लिए अनिवार्य रूप से फ्लेक्स फ्यूल इंजन लाने का आदेश जारी करेंगे।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मिशन यूपी 2022 पर है। वो प्रदेश में बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं। गुरुवार को वो सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते देखे गए। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेताओं ने पश्चिम यूपी के युवाओं को अपना वोट बैंक बनाने की पुरजोर कवायद की। कोरोना की दूसरी लहर में जहां डेल्टा वेरिएंट ने तेजी से तबाही मचाई थी, तो वहीं यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उससे भी तेज निकला। डेल्टा वेरिएंट के बारे में तो पहले से पता चल गया था, लेकिन ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया को जब तक पता चलता तब तक ये कई देश को अपनी चपेट में ले चुका था। दूसरी लहर में जहां डेल्टा वेरिएंट ने तेजी से तबाही मचाई थी, तो वहीं यह वेरिएंट उससे भी तेज नजर आ रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नौसढ़ तथा श्यामनगर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक की यात्रा चंद मिनटों में पूरी हो जाएगी। ये संभव होगा उस मेट्रो रेल सेवा से जिसके निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के पहले फेज को केंद्र की मंजूरी मिलते ही इसके निर्माण की राह भी अब आसान हो गई है। जम्मू के लोगों को इसी महीने रिंग रोड का तोहफा मिल सकता है। 58 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड का उद्घाटन भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 15 दिसंबर को कर सकते हैं और उद्घाटन की डेडलाइन को देखते हुए रिंग रोड के निर्माण में लगी एजेंसी तेज गति के साथ दिन रात काम करने में जुट गई है। अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो आपको बिहार सरकार के दफ्तरों में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना वैक्सीन सरकारी दफ्तरों में घुसे और पकड़े गए तो कार्रवाई हो जाएगी। सरकार ने बिना वैक्सीन वालों के लिए सरकारी ऑफिस में एंट्री बैन कर दी है। आयुष मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 55 पदों पर भर्तियां होंगी। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत यह भर्तियां की जाएंगी। इच्छुक औद्योगिक अभ्यर्थी BECIL की आधिकारिक पोर्टल BECIL.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। प्रातः सीएम शिवराज सिंह देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी पहुंचे थे। यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। वहीं शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यानमाला को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला कि मेरा कहना है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण राष्ट्र का नवनिर्माण सही दिशा में करना होगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया है। महानगर समेत अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की हर हाल में कोरोना जांच करने को कहा गया है। इसके लिए रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट पर और पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने को कहा गया है ताकि यात्रियों की कोरोना जांच हर हाल में सुनिश्चित की जा सके। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई है। इसके बावजूद शेयर बाजार में एक साल में निवेशकों को घाटा नहीं होने दिया है बल्कि कुछ महत्वपूर्ण लाभ देने में कामयाब रहा। नवंबर 2020 से बेंचमार्क इंडेक्स में लगभग 29% की वृद्धि हुई है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में क्रमशः 45% और 63% की वृद्धि हुई है। यूपी के घाटमपुर में नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे पावर प्लांट की यूनिट 1 का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही बिजली उत्पादन शुरू हो सकता है। उम्मीद है कि पावर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिसंबर में प्रस्तावित दौरे के दौरान ही किया जा सकता है। केआरके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जो कि फिल्म तरासी के ट्रेलर की एक स्टिल फोटो है। इस फोटो में कपिल देव का किरदार निभा रहे रणवीर सिंह उनके बिल्कुल तरासी वाले लुक में खड़े हैं, तो साथ में फिल्म में उनकी पत्नी का किरदार निभा रही दीपिका पादुकोण। इस तस्वीर को शेयर करते हुए केआरके ने कैप्शन में लिखा, कपिल देव और रमीज रजा साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सरकारी कार्यक्रम शिलान्यास और अन्य कार्यक्रम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। सभी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के विभागों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि प्रदेश सरकार के किसी भी शिलान्यास कार्यक्रम या उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित क्षेत्र के विधायक विधान परिषद सदस्य सांसद समेत जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, यह अनिवार्य है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड वैक्सीन का निर्यात शुरू कर दिया है। नोवावैक्स की पहली खेप इंडोनेशिया को भेज दी गई है। हालांकि भारत और WHO ने इसे मान्यता नहीं दी है। जिस वैक्सीन को अभी भारत ने भी मान्यता नहीं दी है, सीरम इंस्टीट्यूट ने उसका निर्यात शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के कुल 9,765 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,00,541 पर पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 477 लोगों की कोविड के कारण जान गई है। अब तक देश में कोविड से कुल 4,69,724 लोगों की जान भी जा चुकी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है निशु कुमारी, नुनू कुमार, सचिन कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अनिल आलोक, जितेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, प्रवीण सिंह, मोहम्मद अजमेर, सुधांशु कुमार, बजरंगी कुमार, छोटू कुमार, एहसन रहमानी,
उर्दू। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के नए वेरियंट के मामले दूसरे देश में बढ़ता देख भारत सरकार की तैयारियों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।